साथियों हमारे पास में है 555 डीसी मोटर, इसे हम चेंज करके बताइए कि किस तरीके से आप 775 मोटर इस तरीके से डाल सकते हैं और ये इसकी स्पीड देख सकते हैं आप कितनी स्पीड से ये चल रहा है और हवा भी इसकी काफ़ी तेजी से है। मात्र 120 रुपये में आप अपने घर पर बैठे ही आसानी से इस पंखे को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन हाउस में। ये देख सकते हैं हमारे पास में है एक डीसी फैन, इसकी मोटर और पंखे टूट चुकी है। आज हम इसे बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम इसे बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पंखड़ी निकाल लेंगे, जो हमारी पंखड़ी है वो अलग कर लेनी है और इसके जो पेच है जो पेच खोल लेंगे इस तरीके से। अब ये बाहर आ जाएगा, ये पतरा क्या अखबार अखबार लगा सका लगा लिया है मैंने। चेक करके देखते हैं मोटर को, ये देखिए मोटर ख़राब है, ये आवाज़ कर रही है। ये देखिए ये हमारी पुरानी मोटर है और ये थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही है, इसलिए हम नई मोटर इसमें डालेंगे। हमारे पास में है ये 775 डीसी मोटर, काफ़ी हैवी मोटर है दोस्तों। अब हम इसमें क्लैंप फिट करेंगे, इसका जो क्लैंप है ये आप मार्केट में लेंगे तो आपको 10 से 15 रुपए के बीच में मिल जाएगा और ये क्लंप इस तरीके से लगाना है तो जो इसकी अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलती रहे और अच्छे से टाइट करना है हमें। इस तरीके से हम टाइट कर देंगे और इसके बाद में हम इसकी जो वायरिंग है सोल्डरिंग करके अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। हमने इसमें डोरी इस तरह से निकाल लेनी है इस तरह से और निकालने के बाद में हम इसमें करेंगे सोल्डरिंग। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना दोस्तों। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना अगर पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले समय में हम जानकारी से भरपूर अपने आपके अपने चैनल पर वीडियो इस तरह की अपलोड इसी तरीके से हम इस पे लगा देंगे। इसमें जो हमारी सेकंड हैंड मोटर जो थी ये थोड़ा सा धीमे चल रही थी हल्के से, अब हमने इसमें बड़ी मोटर लगा दी ये वाली और इसे हम फिट कर देंगे। इसके जो चारों पेच हैं बाहर से लगा कर जो तीन चार पेच है वो लगा देंगे हम। हमारी इस तरीके की पंखड़ी है, दुकान पे जाएंगे आप लगभग आपको 15 रुपए की या 10 रुपए की पंखड़ी आपको मिल जाएगी और इस तरीके से हमें लगा कर ये कर देनी है टाइट अच्छे से। इस तरीके से लगा कर हम इसे कर देंगे टाइट। हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे ये हवा हमारी कैसी दे रहा है। ये लगे उल्टे तार, अब करते हैं हम इसे सीधी। इसकी हवा दे सकते हैं आप, काफी तेज है इसकी हवा दोस्तों। आप देख सकते हैं जो हमने 775 डीसी मोटर चेंज करी है इसकी स्पीड और इसकी जो हवा है वो काफ़ी तेज़ी से आ रही है, ये देख सकते हैं आप। आप भी इस तरीके से अपना जो सेकेंड हैंड जो पंखा है उसमें इस तरीके की मोटर डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो और आगे देखनी है तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। और अपना कीमती समय देने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।